प्रयाग में चार धाम सड़क परियोजना में कार्यदायी संस्था द्वारा जिला मुख्यालय बाजार में कार्यों में की जा रही लापरवाही के खिलाफ लोगों ने सांकेतिक धरना दिया। सांकेतिक धरने में उस समय हंगामा हो गया जब कार्यदायी संस्था आरसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर धरना स्थल पर पहुंचे तो प्रोजेक्ट मैनेजर व प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजर को रस्सी से बंधक बनाने की कोशिश की, जिसके बाद कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि वह इसकी FIR करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। उनका कहना है कि मैं सीनियर सिटीजन हूं और मेरे साथ बदतमीजी की गई है। इन्होंने मेरे बूढ़े आदमी को, मेरे सीनियर सिटीजन को बदतमीजी की। एक आदमी ने वो मुझे बहुत घटिया की बात की लगी उसकी, और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके गेस्ट में चाह रहा हूँ कि उनके FIR जो और कोर्ट में केस जाए। जो ऐसे बदतमीजी आदमी कर रहे हैं, ये तो इकट्ठे होकर मेरे को बदनाम कर रहे हैं, और कोई इसमें गलती नहीं है और बदतमीजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बीते 6 माह से चार धाम सड़क परियोजना का कार्य चल रहा है। लोगों के रास्ते, सुरक्षा दीवारें व सड़कें 6 महीने से टूटी हुई हैं, जिससे कई मकानों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। लेकिन बार बार कहने के बाद भी कार्यदायी संस्था RCC लापरवाही कर रही है। इतने दिनों बाद आज हमारे सभी लोगों ने यहाँ पे धरनास्थल पे आए, शर्मा जी को वार्ता पे बुलाया। शर्मा जी नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर हमने बड़ी मुश्किल से उनको वार्ता करने के लिए बुलाया और कहा कि धरना स्थल पर बैठे, हमारा सहयोग कीजिए, हमें बताइए कि कहाँ परेशानी हो रही है और हम उसके निराकरण के लिए आपके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन शर्मा जी बोल रहे हैं कि आला अधिकारी, चाहे उच्च स्तरीय अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो या संबंधित विभाग के अधिकारी हो, कोई कहना नहीं मान रहे हैं कि जैसे पोल संबंधित मामला, पेयजल संबंधित मामला, हमने उनको बिठाने की कोशिश की, हमने तो बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम बिल्कुल, हमने कहा बंधक बन के यहाँ पर रहिए हमारे पास और आप अधिकारी आएंगे और वार्ता करेंगे, जिससे कि आपको भी सुविधा होगी और आम जनमानस को भी सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, रुद्रप्रयाग।